और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जिस दिन बच जाएगा मैं 2 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा अपने आप को। ये देखिए, ओ माय गॉड, मैंने और उस टाइम से और कुछ नहीं झूला था, सिर्फ मैं झूल ही जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या करी जा रहा हूँ। ये पेड़ तो काफी सुंदर लग रहा है पुनीत। ये पेड़ है किस चीज का? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी सुंदर लग रहा है। गाइस, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। रात में तो काफी बारिश हुई और काफी तेज हवाएं भी चली। विपर्जय तूफान का असर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये तीनों राज्यों पर खतरा मंडरा रहा है। ओ भाई साहब, यहाँ पर भी विपर्जय तूफान का असर साफ साफ दिखने लगा है और तेज हवाएं भी चल रही है। कितने घने बादल इधर से आ रहे हैं। हाँ तो अपने चले घूमने? हाँ चलो, पहले ये बता कैसा लग रहा है? अगली चिट्टी चिट्टी दाढ़ी ना है। अच्छा नहीं रहता। नहीं, चिट्टी काली दाढ़ी है इसलिए अच्छी। कैसे डाली? नहीं अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा इसको निकाल दे, चलते लेट हो जाएंगे। गाइस आप लोगों को बता दूं, हम और पुनीत जा रहे हैं पार्क में। पूजा को पूछे तो पूजा मना कर दी, धूप बहुत है। आज सुबह मौसम देखवे कि आपने कैसे था। दादा जी, मैं क्या सुन रही हूं? कुछ नहीं सुन रहा, कह दो ये झूठ है। तो गाइस आप लोगों को बता दूं, ये जो सड़क है वो सीधा पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर को चली जाएगी और ये 4 लेन सड़क है, आप देख सकते हैं। कितनी अच्छी सड़क है और कितना अच्छा व्यू आ रहा है। फतेह एकेडमी के सामने आर्मी ग्राउंड है और अभी तो आर्मी ग्राउंड बन रहा है नहीं बेटा। अब जिस दिन बन जाएगा ना, और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जिस दिन बन जाएगा मैं 2 किलो मिठाई चढ़ाऊंगा अपने आप को। अपने आप को सुन लिए आप लोग? ओ भाई साहब, इतना बड़ा पेड़ और तूफान ने क्या हाल बनाया है इसका। ये देखिए, ओ माय गॉड, तूफान ने तो इतने बड़े पेड़ को जमीन पे सुला दिया। आ जा बेटा वापस चल। ये देखिए गाइस, आप लोगों का क्या लग रहा है कि विपर्जय तूफान सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में ही तहलका मचाया है? हमारे टांडे में भी ऐसा हाल है, इतने बड़े बड़े पेड़ गिरा के बैठा है और ऊपर देखिए कहाँ चढ़ा है पुनीत। कई तो बड़े बड़े पेड़ तो जड़ से उखड़ गए थे। गाइस आर्मी ग्राउंड में ऐसे 2-3 पेड़ है जो बड़े बड़े गिर गए हैं। बेटा नीचे उतर जा। और इस पेड़ पर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे आम लगे थे, लोगों ने आम तो ले गए, एक भी आम नहीं बचा है। पुनीत खा रहा है समोसा। आजा, आम अभी तक बचा है, वो देख सामने कितना आम लगा है। आजा बेटा आजा। पुनीत को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मैंने और उस टाइम से और कुछ नहीं झूला था, सिर्फ मैं झूल ही जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या करी जा रहा हूँ। उधर मत जा अंदर, ये मेरी राजगद्दी है। राजगद्दी हो चाहे कोई भी गद्दी हो, अंदर बच्चा गिर जाएगा। वापस चल, वापस जा, वापस जा, वापस उधर से उतर। लेकिन इधर से उतर जाऊंगा? तो उतर। नहीं डर लग रहा है। तो ऊपर वापस जा, ऊपर से आ, ऊपर से घूम के। आम का पेड़ है, काफी विशाल था। अभी तो बेटा ये डेवलप हो रहा है, 1-1.5 साल लगेगा, उसके बाद देखना। चलो बेटा अब चलते हैं। मुझे नहीं, मुझे पहले आम खाने। आम नहीं तोड़ते हैं, चलो। क्यों तोड़ते? चलो बेटा चलो। नहीं मैं रोने लगना, मैं तो नहीं जाना। इसमें रोने की क्या बात है, लिखने की क्या बात है, चलो। गाइस देखिए आम कितना बड़ा बड़ा है। चलो बेटा, ये आर्मी ग्राउंड जिस दिन डेवलप हो जाएगा ना, उस दिन यहाँ दूर दूर से लोग आएंगे छुट्टियाँ बिताने। देख रहे हो कितना बड़ा है, वो देखो। और इसमें बहुत महंगे महंगे पेड़ भी लगे, और देख रहे हो उधर
छोटे छोटे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं काफी महंगा है गाइस। हमारे इंस्टाग्राम पे 60,000 फॉलोअर्स है, लेकिन उस फॉलोअर्स को कैसे यूज करना है कुछ पता है नहीं। इसको थोड़ा बहुत पता भी है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। यूट्यूब पे मुझे 9-10 महीना हो गया काम करते, लेकिन 4 से 71-72 सब्सक्राइबर से ज्यादा मैं जोड़ नहीं पाया हूँ। अरे इतना बदमाशी है ना। जैसे जैसे शाम होगा वैसे वैसे यहाँ पे लोग आएंगे और बैठेंगे और 9-10 बजे तक लोग रहेंगे। बेटा अभी जो बिपरजॉय तूफान आया था गुजरात में उसका असर पाकिस्तान में भी पड़ा है। अच्छा, और टांडे में भी पड़ा है। कल से बाबा बूटा नाथ मंदिर का मेला शुरू हो रहा है, बाबे बूटे दा मेला आया, और 3 दिन तक चलेगा। पुनीत तुझे पता है? बताओगे तब ना पता लगेगा। दुनिया में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है ना उसका 46% भारत में यूज होता है। ये तो मुझे पता है। कैसे? अभी तो बताया। ये है UPI का कमाल। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी। ये है इसकी कमाल। पेटीएम करो। इतने व्हाट्सएप के सबको ही करेंगे। दुनिया में UPI ने तहलका मचा दिया, तहलका। थैंक यू मोदी जी। अमेरिका अमेरिका यूरोप सब पीछे है बेटा। आगे है कौन? सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, सचमुच में होंगे, एक दिन देख लेना। ये देखो ये कितना ब्यूटी लग रहा है। और एक फूल दिख गया भैया। दिख गया है, हाँ चलो। ये पेड़ तो काफी सुंदर लग रहा है पुनीत। ये पेड़ है किस चीज का? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी सुंदर लग रहा है। तुम्हें नहीं पता था, किसे पता? ये देखो भाई साहब, जिस दिन ये आर्मी ग्राउंड पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा ना, फिर आप लोग देखिएगा। 4 से 71 सब्सक्राइबर जोड़ने में मुझे 9-10 महीना लग गया, जिसमें सभी रिश्तेदार, सभी दोस्तों को, आस पास पड़ोसियों को भी जोड़ लिया। इस हिसाब से मुझे 3 साल लग जाएगा। अभी 3 साल लग जाएंगे, हमारी फैमिली इतनी कमजोर थोड़ी ना है। सब्सक्राइब के बटन सामने होता है ना, इसके कोई पैसे लगते हैं ना ही कुछ लगता है। ये भी देखो उसमें इतनी मेहनत लग जाएगी, बस उसे फिर से टच कर दो। तो गाइस एक बार सब्सक्राइब कर तो दीजिए। हमारी गाइस अगर कहने पे इतनी सब्सक्राइब करेगी, इतनी सब्सक्राइब करेगी, इतनी सब्सक्राइब करेगी कि हमारा 2 साल के बाद 1,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। क्या हुआ, गलत बोल दिया? बहुत। और शाम हो गई, अब घूमने में बहुत मजा। आपको पता है क्या कि देखो हम चप्पल के बिना चल सकते हैं, हाँ? ठीक है, लेकिन चप्पल हमारे बिना नहीं चल सकती। सही में एग्जांपल दिखाओ, दिखाओ ले, दिखाओ दिखाओ दिखा। चलो देखो, ये नहीं चप्पल, हाँ? मेरे पैर में नहीं है, मैं चल रहा हूँ, लेकिन चप्पल खुद से क्यों चल पा रही। तो गाइस आज के वीडियो कैसा लगा? मैं स्टार्ट करता हूँ गाइस, उनके बाद कुछ मत सुनना, मेरी बात सुनो। हाँ सो गाइस चलो आगे। सो गाइस आपको पता है T20 क्या होता है? मुझे भी नहीं पता, पापा को पता होगा। T20 पता है मुझे क्या होता है? क्या होता है? क्रिकेट मैच है। वो क्या होता था जिसमें 20 टेस्टों की आई थिंक मीटिंग होती थी? G20। हाँ, G20। तो गाइस आज के दिन इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले ब्लॉग में, वही नेक्स्ट वीडियो वही से सेम, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार। ओए जा कहाँ पे?